me a god. You call me a god. Hi guys, welcome back to our channel. And ये अब हमारी जर्नी का एंड टाइम है. आज लास्ट डे है और अभी घड़ी में बज रहे हैं 9:20. तो अभी ये देखिए समुद्र का हालत. देखो ठंडा बहुत है, इसीलिए हमें कैप प्लस टोपी पहना हुआ है. मैडम का हालत देखो, मैडम भी वैसे ही है बूढ़ा. ठंडा बहुत है, मैं बहुत ठंड है. मैडम का फेवरेट डायलॉग, फेमस डायलॉग एक्चुअली, बहुत ठंड है. तो पुरी का यहाँ तक का जर्नी अभी यहाँ तक खत्म करते हैं. और अभी हम लोगों ने जस्ट बैठ के टाइम पास किया, यहाँ पे बैठ करके पूरा नजारा, शाम का पूरा लुफ्त उठाया. और अब यहाँ तक अपना जर्नी खत्म करते हैं. उसके बाद फिर कल सुबह निकलना है एकदम अर्ली मॉर्निंग बाइक से लेकर के, सुबह फिर कलकत्ता पहुँचना है अपना घर. तो चलो अब मिलते हैं ऑन द रोड. बट हाँ, कल सुबह निकलने से पहले भी मिलेंगे. तब तक के लिए बाय बाय. मॉर्निंग गाइस, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और हम लोग अपने डेस्टिनेशन निकल पड़े हैं. ये रहा होटल रॉय विला होटल. इसके रूम में हम लोग रुके थे और अपना गाड़ी पूरा रेडी हो चुका है. ये देखो गाड़ी विद मैडम, दोनों रेडी हो चुके हैं. तो अभी हम लोग निकलेंगे कोलकाता के लिए. देखते हैं सबसे पहले कितना दूर पहुंच पाते हैं. और अभी पूरा रास्ता खाली है, ये बहुत देर पे गाड़ी निकला है. ये पूरा रास्ता सुनसान है पूरा. और ये मॉर्निंग का सुबह का इस पूरी का देखो कितना अच्छा लग रहा, सजा हुआ ना. वैसे लाइट तो दिख नहीं पाएगा बट फिर भी ये देखो मेरा कैमरा का माउंट ठीक नहीं है गाइज, इसीलिए मैं आपको उतना अच्छा से नहीं दिखा पा रहा हूँ. इस बार का वीडियो उतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा नीचे हो गया. मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश किया उसको ऊपर करने का. मुझे वीडियो करने के लिए गला को बहुत ऊपर करना पड़ रहा है तब जाके मैं करेक्ट फुटेज ले पा रहा हूँ, नहीं तो नहीं हो पा रहा है. मुझे एक नया माउंट खरीदना पड़ेगा. तो भाई लोग जा रहा था रास्ते से और अचानक से चेन में बहुत जोर आवाज़ होने लगा, कट 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 कर. तो फाइनली बहुत दूर के बाद एक मैकेनिक मिला, लगभग 50 किलोमीटर, पक्का पक्की 50 किलोमीटर पे जा कर के एक बाइक का मैकेनिक मिला. तो वहाँ पे फिर चेन लूप करा रहा हूँ और चेन को बोल रहा है, ये मैकेनिक साहब बोल रहे हैं कि लूज़ हो गया है तो इसको टाइट करना है. तो वही टाइट कर रहे हैं भाई. और भाई ने तो डरा दिया था, बोला था बैग खोलना पड़ेगा. हाँ लगे हो गया ख़त्म फिनिश. फिर देख रहे कि एडजस्ट करके बंदे ने कर दिया.
अभी भी चल रहा है काम, आप देख रहे हो। पता नहीं क्या कर रहा है। हो गया, चलो फाइनली हो गया भाई लोग। अब यहाँ से टानेंगे, हालांकि 8 बजे तक 200 किलोमीटर टान दिए और यहाँ तक आने में 1 घंटा लग गया। आस्ते स्लोली स्लोली लेके आ रहा था, नहीं तो चेन ख़राब हो जाता। अभी बहुत लंबा जाना है। दो का कॉइन बंद हो गया, दो का कॉइन बंद हो गया। कोई भी नहीं लेता यहाँ पे। हाँ नहीं वो ठीक है, लेकिन सच में दो कॉइन बंद हो गया। ये भी लेते नहीं ना, वो बाहर दो बाहर लेते हैं, यहाँ पर नहीं लेते। मैंने पूरा उड़ीसा में या सिर्फ ये एरिया में? ये एरिया में सिर्फ, ये एरिया में नहीं लेते दो कॉइन। एक का कॉइन भी नहीं लेते, एक दो दोनों नहीं लेते, सीधा 5। वो बोलते ठीक है चले जाते। भाई नया सुनने मिला उड़ीसा का, ये कौन सा एरिया? बालासोर, बालासोर एरिया है। बालासोर एरिया है भाई यहाँ पे। यहाँ पे दो का कॉइन लेते नहीं है, पहला बार सुनने मिल रहा है भाई मेरे को। फाइनली गाइज हम लोग वेस्ट बंगाल पहुंच गए, वेस्ट बंगाल में एंटर कर गए। बहुत देर, 10-15 मिनट हो गया। अभी बज रहा है घड़ी में 12:27 और अभी यहां से कोलकाता दिखा रहा है 171 किलोमीटर, और भी टाइम लगेगा। 171 किलोमीटर और भी जाना पड़ेगा। और फिलहाल तो प्लानिंग है 150 किलोमीटर में रुक करके थोड़ा सा लंच करेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से आगे मूव किया जाएगा, उसके बाद फिर सीधा घर पे। तब तक के लिए चलो। ये सामने में एक खरगोश, खरगोश मस्त हेलमेट का कवर है यार, बहुत अच्छा हेलमेट का कवर है। लड़का अच्छा लगा, हाथ मिला के गया। बट वही डिफिकल्टी जो कि मैंने बताया, मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ हेलमेट, मेरा माउंट सही नहीं है, जिसके वजह से गोप्रो नीचे है, मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ सही से। ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट आज को हुआ है लेकिन मैं सही से नहीं दिखा पा रहा हूँ। मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। अच्छा बंदा था, चला गया। पहले पहले मुझे लगा शायद छपरी राइडर है, लेकिन नहीं, अच्छा लड़का था। चलिए चलते हैं। जैसे कि अभी हम लोग, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं लंच करने ही जाऊंगा, तो चलिए चलते हैं वहां पे लंच करने का सोचते हैं। ऐसा बीच में छोटा मोटा होते रहता है। बहुत दिन के बाद राइड करने निकला यार, तो थोड़ा सा हैबिट ख़राब हो गया है, हैबिट एक्चुअली छूट गया है ब्लॉग बनाने का। मोटो ब्लॉगिंग बहुत टफ काम होता है, इस बार उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जो भी हो जैसे भी हो, मेरे छोटा थोड़ा बहुत ही फैन फॉलोइंग है, थोड़ा बहुत ही मेरा फॉलोअर्स है,
गलती सलती माफ़ कर देना, लेकिन हाँ एक चीज़ प्रॉमिस है कि अगला बार से ब्लॉग अब आते रहेगा राइडिंग का, और सामने ही बहुत बड़ा ब्लॉग आने वाला है, बहुत बहुत लंबा ब्लॉग इसी ईयर में, तो वेट कीजिएगा उसका। और वीडियो अगर फिर भी थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगला नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब सीधा मिलते हैं लंच में। राइड का बात ही अलग है, बाइक राइड का बात ही अलग है, इसके जैसा कुछ कोई बात ही नहीं है। हर तरह का टेंशन, हर तरह का थकान, हर तरह का सब कुछ खत्म हो जाता है यार, सब कुछ। मज़ा ही अलग है इसका। चलो